नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी के टूथब्रश के बारे में। ठीक है, तो जो टूथब्रश है, अभी हम ऑलरेडी हमने ब्रश का डिस्कस किया था, ठीक है, और जो भी ब्रशेस वगैरह है, और अभी हम टूथपेस्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटोमी का जो टूथपेस्ट है, तो ये जो टूथपेस्ट आप देख रहे हैं, एटोमी के टूथपेस्ट में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दो टाइप के टूथपेस्ट आते हैं। ठीक है, एक तो 50 ग्राम्स का, ये 50 ग्राम्स का देख रहे हैं आप, ये जो सेट है इसमें चार आते हैं, चार। ठीक है, और ये मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, टूथपेस्ट को खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसमें चार पेस्ट आते हैं। और जो सेकंड है 200 ग्राम वाला, ये 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, 50 ग्राम वाले में चार आते हैं। और जो 200 ग्राम वाला सेट है, एक सेट है, उसमें पाँच टूथपेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो एटोमी का टूथपेस्ट है, वो दूसरे टूथपेस्ट जितने भी चल रहे हैं मार्केट में अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे किस प्रकार से डिफरेंट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं उसके सामने हम डिस्कस करेंगे अभी आपके बारे में। ठीक है, तो एटोमी का जो टूथपेस्ट है, वो प्रोपोलिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जो मधुमक्खी के शहद का छत्ता होता है, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें क्वालिटी होती है कि जो प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है, उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करने की क्वालिटी होती है, मुँह की बदबू को दूर करते हैं। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में भी, ग्रीन टी जो होती है उससे एक्सट्रैक्ट करके ये बनाया गया है। ठीक है, और टीथ का जो पीलापन है आपके टीथ के ऊपर, उसको काफ़ी हद तक ये रिमूव करता है। और जितने भी आपके जो दांतों में प्लेग और टार्टार होता है, लार जिसको बोलते हैं, टार्टार प्लेग जो जमा हो जाता है खाने के बाद, दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है केमिकल की, एसिड वगैरह मिक्स होकर के उसमें, तो उसको ये दूर करता है। अगर आप सुबह ब्रश करते हैं तो दिन में वो प्लेग और टार्टार बहुत कम जमता है आपके हाथों में। ठीक है, और कैविटी अगर किसी के हो रखी है तो उनकी कैविटी को भी दूर करता है, जो जाड़ में दांत में कैविटी हो जाती है ज़्यादा चाय पीने से, और स्मोकिंग्स वगैरह जो लोग करते हैं चाय के बाद स्मोकिंग्स, और फिर पानी का कूल्ला करते हैं, गर्म ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म, इस तरह से यूज़ करते हैं जो भी, तो उनके दांतों में कैविटी हो जाती है। अगर कैविटी हो गई है तो उसको अभी ये ज़्यादा होने नहीं देगा, और जिसको कैविटी नहीं होनी है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने दांतों की सेफ्टी के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और ये बैक्टीरिया जो भी मुंह में बैक्टीरिया आ जाते हैं उनसे फाइट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और जो सांस की बदबू आती है अपने मुंह से, सांस गंदा सांस आता है, वो जो बदबू आती है मुंह से, वो काफ़ी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं मुंह के अंदर, खाने के बाद जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनकी जो बदबू मुँह में रह जाती है उसको दूर करता है ये। ठीक है, और ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून आना, रैशिश होना, एलर्जीज होना, स्किन इरिशन, छाले होना मुंह के अंदर, उन सारी चीज़ों को दूर करता है। और चेहरे के ऊपर रेडिश रेडिश करके रैशेस हो जाते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ये दूर करता है ये पेस्ट। ठीक है, और इसके बारे में जो क्वालिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एटोमी का जो टूथपेस्ट है वो किस प्रकार से डिफरेंट है दूसरे टूथपेस्ट से। इसमें एंटी बैक्टीरियल कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं दूर, जो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करती है दांतों को। प्रोपोलिस में एक पावर होती है जो मधुमक्खी के शहद के छत्ते से एक्सट्रैक्ट करते हैं एनएबी से, उसमें पावर होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और ब्लड प्रेशर को लोअर करता है ये, और बोन डिजीज़ को ट्रीट करता है अच्छी तरह से, बोन डिजीज़ जो होती है दांतों की उनको दूर करता है ये, और आपको जो प्रोस्पेट है उसको बूस्टअप करता है, और बूस्ट प्रोस्पेट कैंसर सेल डेथ, और जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनको ये रिमूव करता है, जो प्रोपोलिस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोपोलिस के बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपकी बॉडी के अंदर, या उससे जो भी आइटम बनाया जाता है, सपोज करो जो पेस्ट बनाया जाता है, तो प्रोपोलिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, और बोन डिजीज़ को दूर करता है ये, और एलर्जी को दूर करता है, और कैंसर सेल्स की डेथ करता है ये, उन पर हानिकारक जो कैंसर सेल होती है उनको रिमूव करता है, और फूड पॉइजनिंग को दूर करता है, और कोलन कैंसर को दूर करता है ये प्रोपोलिस, और इफेक्टिव फॉर वार्ट्स, और ट्रीट हीट स्ट्रेस एंड इंज्योर्ड टीथ, और इंज्योर्ड जो टीथ होते हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करता है ये प्रोपोलिस। ठीक है, प्रोपोलिस की जो टेक्नोलॉजी है वो, तो प्रोपोलिस में एक खासियत होती है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस इज ए बिल्डिंग मटेरियल दैट इज क्रिएटेड बाई बीज फ्रॉम ट्री रेसिन, देयर ओन एंजाइम एंड अदर नेचुरल मटेरियल टू कवर देयर हाइव्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल वायरस एंड पैरासाइट फ्रॉम द स्प्रेडिंग इनसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो शायद मधुमक्खियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधों से जो रेजिन इकट्ठा करके लगती है, उनसे एंजाइम्स वगैरह और जो नेचुरल मटेरियल्स होता है,
तो वो उनको हाइव्स करो करके रखती है, और वो हाइव्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को दूर रखते हैं और वायरल डिजीज़ और जो पैरासाइट्स होते हैं उनको स्प्रेड होने से बचाते हैं। और हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इट हैज़ ए नेचुरल प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, प्रोपिल्स में हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेच करती है, बढ़ाती है उसको। स्पेशली ग्रेट टू यूज़ टू सूथ एंड इरिटेटेड ट्रिकली थ्रोट। और जो थ्रोट होता है आपका, गला होता है कई बार ख़राब हो जाता है ना, अगर आप ये पेस्ट यूज़ करते हैं तो गले में भी छोटे बच्चों का जो गला ख़राब हो जाता है, खरखरी हो जाती है, आपकी भी खरखरी हो जाती है, तो अगर आप ये पेस्ट यूज़ करते हो तो उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। और काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि छोटे बच्चों के गले में खराश वराश हो गई तो ये पेस्ट उनको यूज़ करवाया उन्होंने, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हैं। ठीक है, प्रोपिल्स कैन आल्सो बी शेप टू ऑफर सपोर्ट फॉर ओरल हाइजीन एंड प्रोमोटिंग फ्रेश ब्रेथ एंड हेल्दी गम्स। और आपके मसूड़ों को अच्छी तरह से बनाए रखेगा ये, और जो सांस की बदबू वो दूर करेगा, और आपका मुंह के सिस्टम को बनाए रखेगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोपिल्स में होती है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है इसमें। और दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो क्या क्या खासियत है वो आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये डेंटल प्लेक को रिमूव करता है, प्रिवेंट टार्टर डिपोजिशन, प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, डेंटल कैविटीज़ को दूर करता है, टार्टर डिपोजिशन को दूर करता है, रिमूवल बैड ब्रेथ जो आपके बदबूदार सांस है उसको दूर करता है, प्रिवेंट गम ब्लीडिंग, मसूड़ों की जो खून आता है उसको दूर करता है ये, और एलर्जीज जो जितनी मुंह की होती है उसको भी दूर करता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर वार्ट्स, और वार्ट्स जो जाते हैं उसको भी दूर करता है जो मुँह में छाले हो जाते हैं, ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स, माइनर वाउंड एंड इन्फेक्शन, थोड़ा बहुत जल गया तो आप इसको लेकर के लगा सकते हो। ठीक है, रिलीव पेन कॉज बाय द टूथपेस्ट एंड कैंकर सोर, तो ये जो पेन है उसको काफ़ी रिमूव करता है। दूसरी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है ठीक है, ये आपको अभी ऐसा दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको लेकर के यूज़ करता हूँ, ये जो व्हाइट बोर्ड है ठीक है, इतना सा ये देखिए आप, ठीक है, जस्ट इतना सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये यूज़ कर रहा हूँ, और इसको आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट बोर्ड है उसको भी पूरी तरह से क्लीन करता है, देखो आप। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आपके सामने है, अच्छी तरह से देखिए आप। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है वो भी इससे बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मैंने बस जस्ट थोड़ा सा अप्लाई किया है और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जो इसका जो कलर है वो देख सकते हैं, बिल्कुल अलग से आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ हो गया ये। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड को भी साफ कर सकते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, ये और ये दोनों डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से जो पेस्ट है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पेस्ट है इसका, आप इसको एज ए वाइट बोर्ड भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, वो जस्ट मैंने आपको एक डेमो करके दिखाया गया है, क्योंकि इस डेमो के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमारे साथ टीम वॉरियर के साथ जुड़ना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको हर प्रकार की सपोर्ट दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।